हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर आलू मटर की सब्ज़ी। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम गाजर कटी हुई, दो बड़े आलू कटे हुए, दो टमाटर कटे हुए, 100 ग्राम मटर के दाने, दो प्याज बारीक कटी हुई, चार लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, थोड़ा अदरक बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधी चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक, आधी चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी कसूरी मेथी, एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, चार लौंग, दालचीनी, एक साबुत लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सरसों का ऑयल। सबसे पहले हम गैस को करेंगे ऑन। इस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा, हींग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, साबुत लाल मिर्च और जीरा गोल्डन ब्राउन होने तक रखेंगे इसे गर्म होने के लिए। जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब डालेंगे हम इसमें अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा वो भूनेंगे। अदरक और हरी मिर्च को हमने थोड़ा भून लिया है, अब डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पानी, अब मसाला भुना जाएगा। मसाला भूनते हुए हमारा इसका पानी सूख रहा है, अब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे भूनेंगे। इसे दो तीन बार पानी डाल डाल के भूनना होता है, जब भी टेस्ट आता है मसाले में। मसाला हमारा भून गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है, अब इसमें डालेंगे टमाटर, थोड़ा टमाटर को भी भून लेंगे। अब डालेंगे नमक, टमाटर हमारा भून गया है, अब डालेंगे हम इसमें मटर, थोड़ा मटर को भून लेते हैं। थोड़ा हमने मटर को भून लिया है, अब इसमें डालेंगे गाजर, गाजर को मिक्स कर लेंगे। गाजर को हमने मिक्स कर दिया है, अब डालेंगे हम इसमें आलू, आलू भी चला देंगे।
हमने आलू गाजर मटर सब मिक्स कर दिए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर ढक देंगे, गैस को कर देंगे जीरो, सब्जी को गलने तक पकाएंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम डालेंगे पानी, नहीं तो हमारा स्टीम में गल जाएगी सारी सब्जी। सब्जी को हम देख लेते हैं कि गल गई या नहीं। गल आई है लेकिन थोड़ी अभी कच्ची है, थोड़ी देर और ढक के रखेंगे। सब्जी को ढककर थोड़ी देर और पका लेते हैं। अब सब्जी का ढक्कन उघाड़ के देख लेते हैं। गाजर भी हमारी गल गई है, मटर भी हमारी गल गई है, आलू भी गल गए हैं। हमारी सब्जी स्टीम में गली है, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। हम कभी कभी हमारी सब्ज़ी ऐसी आ जाती है कि वो गल नहीं पाती, तो उसमें हमें पानी थोड़ा डालना पड़ जाता है। अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। गरम मसाला, थोड़ा हरा धनिया, इन्हें कर देंगे मिक्स। सब्जी हमारी बनके तैयार है, गैस को कर देंगे ऑफ और सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। थोड़ा हरा धनिया से डेकोरेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गाजर आलू मटर की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है और हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। और एक बार मेरे तरीके से जो बना के देखना और कमेंट करके बताना आपकी सब्ज़ी कैसी बनी, और एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।